दोस्तों अगले महीने से साथ निभाना सातिया सीजन टू का पहला एपिसोड आप लोगों के बीच में आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि गोपी बहू का रोल निभाने वाली देवोलीना भट्टाचार्य जी आप लोगों के सामने फिर से पेश आ रही हैं। कहीं ना कहीं बात करें रुचा की, जो कि एक सुपरहिट रोल निभाया था उन्होंने, राशि का रोल, काफ़ी अच्छा रोल था, जो कि एक बार फिर से दोनों बहनों की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। साथ में आपको बता देता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला की भी एंट्री हो रही है सीजन टू में, क्योंकि साथ निभाना साथिया सीजन टू से काफ़ी उम्मीदें रखी जा रही हैं। कहीं ना कहीं बात करते हैं अब तक के जितने भी एपिसोड्स हुए थे सीजन वन के, हर एक सुपरहिट था। देवोलीना काफ़ी बोल्ड एक्टर्स हैं, जो कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जो टीवी सीरियल में दिखाई जाती हैं, एक सीधी सादी, एक भोली भाली गोपी बहू का रोल निभाती हैं देवोलीना भट्टाचार्य, वो रियल लाइफ में काफ़ी हॉट हैं। और कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में देख ही लिया होगा, जिस तरीका से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में बॉन्डिंग देखने को मिली थी देवोलीना भट्टाचार्य जी की, काफ़ी सुपरहिट बॉन्डिंग थी, जो कि लोगों ने इस बॉन्डिंग को बखूबी पसंद किया। और कहीं ना कहीं देवोलीना भट्टाचार्य जी एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला का दिल जीतने में कामयाब हो चुकी थी। आपको बता देता हूँ कि साथ निभाना साथिया सीजन टू का पहला एपिसोड किस वेसेंस पर आधारित होगा। जी हाँ, क्योंकि जो आपने प्रमो देखा था वो प्रमो में आपको पता ही चल गया होगा कि एक कुकिंग का काम कर रही हैं, यानी फैमिली की खान पीन का काम कर रही हैं, क्योंकि देवोलीना भट्टाचार्य जिस तरीका से उन्होंने गोपी बहू का किरदार निभाया था, सुपर हिट किरदार था, लोगों ने उस किरदार को काफ़ी प्यार दिया था। और कहीं ना कहीं उस प्यार देने की बदौलत ही आज गोपी बहू का रोल दोबारा फिर से मिला है देवोलीना भट्टाचार्य जी को। देवोलीना भट्टाचार्य जी की बात की जाए तो इनके अपकमिंग काफ़ी शो हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको इस टाइम काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि साथ निभाना साथिया सीजन टू के जितने भी एपिसोड आएंगे, हर एक एपिसोड कहीं ना कहीं एक मुस्कान लेके लौटेगा, क्योंकि इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले से भी गोपी बहू काफ़ी अच्छी और राशि भी काफ़ी अच्छी रोल में देखने को मिलेगी आपको। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में भी जुगलबंदी ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगी गोपी बहू की, जो कि कहीं ना कहीं देवोलीना भट्टाचार्य जी एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एंटरटेनमेंट करने के लिए लौट रही हैं। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की बात करते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं टेलीविजन के सबसे बड़े और सबसे मॉडर्न एक्टर हैं देवोलीना भट्टाचार्य के साथ में। उनकी जोड़ी भी सुपरहिट जोड़ी में से गिनी जाती है। देवोलीना खुद भी इस चीज़ को पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही है कि देवोलीना भट्टाचार्य और सिद्धार्थ शुक्ला अगर सीजन टू में जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं धमाल मचा देंगे। स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर और सबसे हिट शो में से गिने जाने वाला शो है साथ निभाना साथिया सीजन टू, जो कि स्टार प्लस पर फिर से पेश आ रहा है। और कहीं ना कहीं बात करते हैं अदरवाइज करेक्टर भी काफ़ी अच्छे दिखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से गोपी बहू के साथ करते नजर आएंगे। वहीं गोपी बहू का किरदार अभी तक का सबसे अच्छा किरदार था, जो कि देवोलीना भट्टाचार्य जी इस किरदार को बखूबी निभा रही हैं, और वो किरदार उन पर काफ़ी सूट भी होता है, क्योंकि गोपी का रोल निभाने वाली देवोलीना भट्टाचार्य जी जिस तरीका से रियल लाइफ में काफ़ी हॉट और काफ़ी मॉडल अभिनेत्री हैं, उसी तरीका से टेलीविज़न पर एक सीधी सादी भोली भाली गोपी बहू का किरदार निभाती हैं, क्योंकि वैसे तो काफ़ी हॉट अभिनेत्री हैं, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी मैंने बता दी है, और इसी के साथ ही मैं आपसे बता देता हूँ अपकमिंग जितने भी एपिसोड आएंगे मेरे YouTube चैनल से प्रसारित होंगे, क्योंकि आपको अगले हफ्ते से देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज़।